एपटे मामला सेपटे रेड पश्चिम बंगरे पुणी ईडी वर्तमान सक्रिय पश्चिम बंगरे पुणी एक्शन मोड रे वर्तमान ईडी ममता सरकार दुई मंत्री घरे बे चढ़ाऊ चली नगर निगम निजुक्ति घोटाला मामलें ये तनाघना आरंभ हो जहाँ सूचना आसूँ वर्तमान सुधा ये आहरी अधिक टी त्वरावित हो पारे आहरी अनेक पचराउचरा करें कहीं ईडी स्कानर वर्तमान अनेकों ना रही पश्चिमबंगे पुणी आक्शन मोड को आसी ईडी और ममता सरकार दुई मंत्री घरे आज सका चढ़ाऊ कर ईडी तरफ नगर निगम निजुक्ति घोटाला जांच करुच्ची प्रवर्तन निर्देशालय मंत्री सुजित बोस दुईट ठिकना और मंत्री तापस राय घरे रेड मारी ईडी टीम यह दुई मंत्री सहित नगर निगम पूर्वतन उपाध्यक्ष घरे ईडी छापा मारुची ये बड़ खबर बड़ सूचना जहाँ आसूसी और किसीदिन पूर्व आम समस्त जानते संदेश खाली जनवरी 5 रे जो प्रकार ईडी उपर आक्रमण करा पश्चिमबंगे तीन जन अधिकारी एथे आहत होते परवर्त समय पुणी आक्शन मोड को आसी कहीं कोर्ट तरफ ईडी को कमी सुरक्षा दि जापर चढ़ाऊ समय से नहीं बंदोबस्त करक्शन मोड देखुं ईडी सुरक्षा जेहेतु मिली तेणु गोटे टीम शुक्रवार पश्चिमबंगर जो रही जो मैंने रही स्कानर वर्तमान टीएमसी सेमानों घरे चढ़ाऊ करी जान चली घर भितर भी चढ़ाऊ चली पूरा घटना को लेकिन पुणी राजनीति तेज हो राजनीति जोर धरी आम सहित अधिक आलोचना करने रोचंती राजनीतिक विशेषज्ञ सुक्त शीतल तरंग बेउरिया सर स्वागत आपण को आलोचना को टीएमसी स्थित को आप बर्तमान केमी देखुं कहीं टीएमसी तो से गोटे कहवा कथा ये उद्देश्य प्रणोदित राजनीतिक उद्देश्य या पचर रोचे जाणीशुणी फसा जा लोक मैंने सबकि जानूंत आम जब संदेश खाली आक्रमण कथ कह से समय भी से कथ कहते कि लोक मैंने रिवोल्ट कर लोक मैंने चाहूना कि ईडी से नेता से प्रतिनिधि मान घर छापा मारतु से स्कानर भितर को आणतु खोलताड़ करूँ स्थिति मोटा मोटी केमती देखते हैं नहीं देखो ये जो न्यूज जे लोक मैंने चाहूना नेता लोक मैंने कौन चाहिए लोक मैंने का चाहिए निजे घर को चोर मान को धरा न जाओ कौन धरा हम तेणु देखो जो जदि साधारण लोक घर मोर व्यू ऑन दिस इज क्राइटल केयर मौसमी हूँ जदि साधारण लोकों घरे इनकम टैक्स रेड हो पार्टी साधारण लोकों घरे ईडी रेड हो पार्टी ताले व्हाई नॉट पॉलिटिकल लीडर्स व्हाई नॉट पॉलिटिकल पार्टीज व्हाई नॉट मिनिस्टर्स व्हाई नॉट चीफ मिनिस्टर के नोबडी इज अबव द लॉ समस्ते लॉ अंडर रे समस्ते समान तो तेणु जदि डाउट होची तांकर जो एजेंसीज अछंती से ईडी कोंतु इनकम टैक्स कोंतु बा सीबीआई को जा को जदि से मानकर कोनोसी डाउट हुए दे आर वेल विदिन देयर राइट्स टू कंडक्ट रेड तांकर राइट अछि टू कंडक्ट रेड टू इन्क्वायर ताकु जदि आपण प्रिवेंट करबा को चेष्टा करिवे से मानक विरुद्ध रे मु कहबी देशद्रोह आइन लागू होबा कथा प्रेजन चार्जेस तांको ऊपर लागू होबा कथा जो माने सब पिटुचंती बाड़ी थिले आउ ए माने जो कहउचंती दे आर टॉकिंग नॉनसेंस जो टीएमसी लीडर्स कहउचंती लोक चाहूनांती अरे लोक कोन चाहिबे खाली लोक चाहिबे जे इनोसेंट लोक मानको समस्त पिटिकी मारंतु से हबो नहीं ये निजो निजर स्थिति को बचाई पाए एवं ये जो कथा को नहीं कि केवल टीएमसी नुहे जो जो जगार बा जो विपक्ष माने रही से उपरे जिते से कौन सी नेता मंत्री जिते बड़े भी ईडी कौन से आक्शन आसूरी प्रकार प्रतिक्रिया ही बाहर को आसूरी तेणु आग को निर्वाचन रोचे ता सहित जोड़ जा पूरा कथा को ईडी एज अ सोल होल बॉडी ये निजर काम करिया पे याकु आपण यार स्थिति को केमिति देखुछन कारण जो प्रकार आक्रमण करा गला संदेश खाली रे एवं ता परवर्ती समय रे फोर्स अधिक से मानक पाई रखा गला एवं से माने गोटे पूरा सुरक्षा बल भितर जाय के रेड करुछंती तेन आपण जा कहउछंती कि एमार जो माने एको विरोध करुछंती से मानक पाखरे कोन रहिछि याकु विरोध करे पाए से मानक पाखरे कोन प्रमाण रहिछि कि जहां को ऊपर रेड करा जाउछि से माने निर्दोष ताको पाखरे कोन से एविडेंस नाय एतो तो सहज ग्राहत बढ़िया कथा आपण जदि निर्दोष ताले आपण को ऊपर तो कोनस प्रकार एक्शन निया जाउ किछ असुविधा नै आपण तो आपण को ऑपरेट करिवे नै मोसुनी प्रॉब्लम इज होची कोठी डिफिकल्टीज रहउची एठी भारत वर्ष रे किछि पॉलिटिकल पार्टीज किछि पॉलिटिकल लीडर्स से माने धरि नै चंती ता भीतर मिनिस्टर्स भी अछंती इवन ता भीतर चीफ मिनिस्टर्स भी अछंती से माने भाबु चंती जे पॉलिटिशियन माने होचंती अबव द लॉ तणो तांको ऊपर रेड हबनी तांको परे किछि होबनी अरे बाबू तमे सम
କାମଦାମ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଦେଶରେ, ଚୋର ମାନଙ୍କୁ ଧରା ହବନି, କରପ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରା, କରପ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରା ହବନି। ଏଇଟା କୋଉ କୋଉ ଆଇନରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ମୁଁ ଯାହା ଆଗରୁ ମୌସୁମୀ କହୁଥିଲି ତାକୁ ରିଇଟରେଟ୍ କରୁଛି ଯେ ଯୋଉ ଏଜେନ୍ସିସ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଏଜେନ୍ସିସ୍, ସିଏ ଇଡି କୁହନ୍ତୁ, ସିଏ ସିବିଆଇ କୁହନ୍ତୁ, ସିଏ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏଜେନ୍ସିସ୍, ତାଙ୍କର ଦେ ଆର୍ ୱେଲ୍ ୱିଦିନ୍ ଦେୟାର ରାଇଟ୍ସ। ଯଦି ତାଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ହେଲା କାହା ଉପରେ, ତେଣୁ ରେଡ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବାର, ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାର, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବାର ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ତାକୁ ଆପଣ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବେନି। ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ମାରିବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ? ତ ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ଯେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଠିକ କଥା, ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ହାଜ୍ କୋଲାପ୍ସ। କାହିଁକିନା ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଦେଶ ଖାଲିରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ଇଡି ଉପରେ, ଇଡି ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା କି ମହିଳାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କଲେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରେଡ୍ ହେଉଥିଲା ସେଠୁ ଚୋରି ହେଲା ବା ଅପମାନଜନକ, ଇଏ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଲାଗିଲା। ଏହା ଭିତରେ ରାଜନୈତିକ ଦିଗଟିକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଟିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରାଯାଉଛି କି ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଗରୁ ବି କହିଛୁ, ଗୋଟେ ଭିକ୍ଟିମ୍ କାର୍ଡ଼, ଯେ ଏଇଟା ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ଏବଂ ଜାଣି ଶୁଣିକରି ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟିଏମ୍ସିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଉଛି, ରାଜନୈତିକ ଦିଗଟି ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଇଏ କେତେ ଉଥଲ ପୁଥଲ କରିପାରେ ଟିଏମ୍ସିରେ ପୁଣି? କିଛି କରିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୌସୁମୀ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆଗରୁ ସବୁ ନେତାମାନେ କହିବେ, ସବୁ ଅପୋଜିସନ୍ର ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଆରେ ରୁଲିଂ ପାର୍ଟିର ଲିଡର ମାନଙ୍କ ଉପରେ ରେଡ୍ ହଉନି, ଖାଲି ଅପୋଜିସନ୍ ପାର୍ଟିର ଲିଡର ମାନଙ୍କ ଉପରେ ରେଡ୍ ହଉଛି। ତା ମାନେ ସେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହଉଛୁ ଚୋର, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଚୋର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଧରାଯାଉ, ଏହା କହୁଛନ୍ତି ତ? ତାମାନେ ଆପଣ ଆଡମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଚୋର। ଆରେ ବାବୁ, ଆପଣ ଠିକ ହଉନାହାନ୍ତି ଆଗେ, ଆପଣ କ୍ଲିନ୍ ରୁହନ୍ତୁ। କଣ କି କଣ କୋଉଥିରେ କଣ ହେଲା ମୋର ସେଥିରେ ଯାଏ କଣ? ମୁଁ ଆଗେ କ୍ଲିନ୍ ହେବି, ମୁଁ ଆଗେ କରପ୍ଟ ଫ୍ରି ହେବି। ସେ ଏମାନେ କହିବେ ଯେ ଆମର ଧରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରେଡ୍ ହଉଛି, ତାଙ୍କର ରେଡ୍ ହଉନି, ତାପରେ ଆପଣ ଆଡମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି କରପ୍ଟ। ଆମେ କରପ୍ଟ, ଆମର ଉପରେ ରେଡ୍ ହଉଛି, ଅନ୍ୟମାନେ କରପ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ରେଡ୍। ଆରେ ଭାଇ, ତମେ ଆଗେ ଠିକ ହୁଅ, ତମର ସବୁ କ୍ଲିନ୍ କର, ତମ ଘରକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ରଖ, ତମେ କରପ୍ସନରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହୁଅନି। ତମେ ଭିକ୍ଟିମ୍ କାର୍ଡ଼ ଖେଳି ପାରିବ କି ଟିଏମ୍ସି ସାର୍? କିଛି ଭିକ୍ଟିମ୍ କାର୍ଡ଼ ତାର କିଛି ଫାଇଦା ହବନି। ମୁଁ ଯାହା ଆଗରୁ ମୌସୁମୀ କହୁଥିଲି ଯେ ଯାହା ରେଡ୍ କରିବାର ଅଧିକାର ସବୁ ଏଜେନ୍ସିର ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯାହା ଉପରେ ଡାଉଟ୍ ହବ ସିଏ ରେଡ୍ କରିବେ, ସବୁ ସମୟରେ କରିପାରିବେ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି ବୋଲି କରିପାରିବେନି, ଇଏ ସବୁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ। ଯୋଉମାନେ ଏଭଳିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆଇଡିଆ ନାହିଁ ଡେମୋକ୍ରେସି ବିଷୟରେ, କୌଣସି ଆଇଡିଆ ନାହିଁ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ, ଯୋଉ ଲ ଅଛି ତାର ବିଷୟରେ କୌଣସି ଆଇଡିଆ ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବେ କହିପାରିବେନି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି ତେଣୁ ରେଡ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉ, କାହାକୁ ଧରା ନ ହଉ। ତାହେଲେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାୱାରକୁ ଆସିବେ ଗୋଟେ ଆଇନ ଆଣିବେ ଯେ ଇଲେକ୍ସନର ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମସ୍ତେ ଚୁପଚାପ ରହିବେ, କୋଉ ଚୋରଙ୍କୁ ଧରା ହବନି, କୋଉ କରପ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରା ହବନି, କୋଉ କରପ୍ଟ ପଲିଟିସିଆନକୁ ଧରା ହବନି, କୋଉ କରପ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ ଧରା ହବନି, କୋଉ କରପ୍ଟ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟକୁ ଧରା ହବନି, ସମସ୍ତେ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ବସିବେ। ତାହେଲେ ରୁଲ୍ ଆଣିବେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ପାୱାରକୁ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନିୟମ ଏମିତି ନେଇ ଆସିବେ। ଏଗୁଡା ସବୁ ନନ୍ସେନ୍ସ, ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ନନ୍ସେନ୍ସ, ଏମିତି କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି। ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି ତେଣୁ କିଛି ହବନି, ରେଡ୍ ହବନି। ଆପଣ କହିବେ ଯେ ପଲିଟିସିଆନ ମାନେ ଏଭଭ୍ ଲ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ରେଡ୍ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ପଲିଟିସିଆନଙ୍କ ଉପରେ ରେଡ୍ ହେଇପାରିବନି। ଯଦି ପଲିଟିସିଆନଙ୍କ ଉପରେ ରେଡ୍ ହେଲା ସେଟା ପଲିଟିକାଲ ମୋଟିଭେଟେଡ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରେସିରେ, ସୁସ୍ଥ ଡେମୋକ୍ରେସିରେ, ସୁସ୍ଥ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏଗୁଡ଼ା ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ ନୁହେଁ ଏଭଳିଆ କଥା। ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଇଏ ବିରୋଧୀ ମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବାରେ, କାହିଁକି ନା ଇଡି ର ଆକ୍ସନ କଥା ଯଦି କହିବା ଆପଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସ କୁହନ୍ତୁ, ଇଏ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଇଡିର ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଉଛି ତ ସିଧାସଳଖ କଥା ଆସିଯାଉଛି କି ୟାକୁ ମିସ୍ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରାଯାଉଛି, ଇଡି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଥରିଟି ସେମିତି ହେଇକି ରହିନାହିଁ, ଇଏ କାହା ଇଙ୍ଗିତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ୟା ଏ ସବୁ ଭିତରେ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କର ଏ ଇଡିର ଆକ୍ସନକୁ ନେଇକରି ଏମାନଙ୍କର କିଛି ମସୁଧା ଯେ ଆଗକୁ ନ ହେଇପାରେ ବା ଏମାନେ ଯେ ଏକାଠି ନ ହେଇପାରନ୍ତି, ପୂର୍ବଦିନ ମାନଙ୍କର ବି ହେଇଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ବି ହୁଏତ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରିପାରନ୍ତି, ସେ ଦିଗ ଉପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା? କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମିତି କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଟିଏମ୍ସିର ବିଶେଷ କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନ ଆସିଲେ ବି, ତେଣୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେହେତୁ ସ୍କାନରରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଟିଏମ୍ସି ନେତା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ହମଲା ହୋଇଥିଲା ଇଡି ଉପରେ
संदेश खाली रे ता परवर्त समय ईडी भी आउ टे अधिक आक्शन मोड रही है वर्तमान तेणु ये कौ आड़ को दिग जाई पारे राजनीतिक दिग कौ आड़ को जाई पारे ना देखो राजनीतिक दिग जदि या फल अपोजिशन माने यूनाइटेड हेबे बीट होम टू यूनाइटेड किंतु या माने नुहे जे करप्ट पॉलिटिशियन को धरा हबनी करप्ट मिनिस्टर को धरा हबनी जहाँ उपर एलिगेशन अच्छे तापर इनक्वारी हबनी एगुड़ा सब आक्सेप्टेबल नुहे बिल्कुल आक्सेप्टेबल नुहे मौसुमी जहाँ हूँ ठीक हूँ पूरा ठीक हूँ जदि आपण किसी एलिगेसन अच्छी एजेन्सी मैंने डाउट करेड करेंगे से इलेक्शन टाइम हो था नई था जिते चित्कार करूँ आप समस्त यूनाइटेड हूँ किंतु एहारी को छड़ा जावा कथा नुहे सी जो पॉलिटिकल पार्टीज रही था सी जिते बड़ नेता हो था करप्शन चार्जेस जहाँ ना आसू समस्त विरुद्ध इनक्वारी हवा कथा से पनिश कर कहीं जो करप्शन अच्छी सेटा गोटे इंडिया ने बर्तमान करप्शन कोरोना वायरस टू भी डेंजरस है तो तेणु ताकू बंद करने एगुड़ा सब नित्यांत आवश्यक जी जहा कहूना कहीं जी जिते चिलो चिला चिलेवा कथा चिलांतु किंतु रेड हवा आवश्यक सब करप्ट लोक धरा जावा आवश्यक से जो पार्टी रही था सी जिते बड़ अफिसर ही था जिते बड़ जर्नालीस्ट ही था जहाँ जी हे था करप्शन जी इनवल्व हम ताकू धरा जावा उचित बिल्कुल बिल्कुल एवं ये ईडी ईडी पाई गोटे केते बड़ चैलेंज सर सेटा विषय भी टिके एथि पई आलोचना करबा काहे कि आमे देखि चंदी जो प्रकार ऑन वर्क थिबा बेले बा ऑन ड्यूटी थिला बेले समान को पर जो प्रकार आक्रमण करा गला संदेश खाली रे एवं परवर्ती समय रे गोटे बहुत आमे इथर को भी रेड सीन सिचुएशन देखु चंदी जो प्रकार गोटे सुरक्षा बल तांका पई करा गला से माने निज काम करबा समय रे ए प्रकार असुविधा रो सम्मुखीन हेउ चंदी तनो ईडी पाई भी ए समय रे आगु जे तरी इलेक्शंस रहउची एवं विरोधाभास एथि पई डायरेक्ट आ सीधा सड़क करूना नेता मंत्री मैंने लोक लगे दौरान साधारण लोक यूटिलाइज कर ये टास्क ये चैलेंज केते बड़ हो पारे ईडी पाई देखो चैलेंज तो रही कि आपण जो साधारण लोक कथा मौसमी कहते हैं साधारण लोक नुहमान होती रैंक एंड फाइल से टीएमसी रैंक एंड फाइल आप जानते हैं जो कम्युनिस्ट रूल था से भाया कांड बहुत चलुला किंतु जेतोले टीएमसी आसीगला दी तीन थर पावर को आसिले से जो कम्युनिस्ट रो जो रैंक एंड फाइल थिले जो गंडगोलिया रैंक एंड फाइल जो मान सब गुंडागिरी करथुले से सब वर्तमान जाय कि टीएमसी रे मिस जायचन एटा होची फैक्ट आपण सेटिकार जर्नलिस्ट को संगे कथा वार्ता हेले एटा जानि परिबे जे कोन सब चालछि ओ केमती चालछि तनु ये माने साधारण लोक नुहंती ये जो कुआ जाउछ साधारण लोक चाहिले जे तांक नेता उपर रेड न हो नुहे सेटा ये दे आर रैंक एंड फाइल ऑफ टीएमसी टीएमसी रो कर्मी है माने भड़ाटिया गुंडा बिल्कुल तो तेणु ये जो मु तो कहिबि जे सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सॉफ्ट हो गला जेतो बड़े माडो हैला ईडी ऑफिशियल्स को तांगर मुंडो फाटिला अपन समस्त देखिछंती सेतो बड़े सांघातिक एक्शन निया जीवा कथा थिला जो माने सब एथिरे इन्वॉल्व तांग सब धरी की ताकर विरुद्ध रे देशद्रोह आईन लागू करिवार थिला प्लस कोर्ट को मूव करिवार थिला सेंट्रल गवर्नमेंट सेटी प्रेसिडेंट रूल करिवा पाई काई कि ना सब बेले प्रेसिडेंट रूल हेले कोर्ट इंटरफेयर करो रंता सरकार को दि मंत्री को घर ऊपर तो रेड चली छि अन्य ठिकाना ऊपर भी वर्तमान सुद्धा ईडी रेड चली छि कौन सब तथ्य हस्तगत हो मंत्री सुजित बोस और तापस राय घर बर्तमान रेड चली विभिन्न ठिकणा रेड चली घर भितर एवं जांच चली जहाँ पाखे अपडेट सूचना आसार बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित आलोचना करुक्त शीतलधर बेहरिया रही है वरिष्ठ सांबादिक तथा राजनीतिक समीक्षक आलोचना करुते आम सहित तेणु बर्तमान ये पूरा प्रक्रिया करें ईडी एक्शन पर ईडी रेड पर टीएमसी तरफ कौन प्रतिक्रिया आसू अपेक्षा रही राजनीतिक स्थित पापाग पश्चिम बंगे कौन बदलू ता नजर रखी।